पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर लैंडफिल साइट पर मंगलवार रात अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस बीच कूड़े के पहाड़ पर एक जगह आग बुझते ही दूसरी जगह लग रही थी। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग तो फिलहाल बुझ गई है, लेकिन धुआं बहुत है, जिसकी वजह से आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। और ये आग जो है रात को लगी थी, रात को फिर मैंने 9 बजे के करीब 100 नंबर पे कॉल की, तो जिसके 5 मिनट के बाद ही यहाँ पर जो है पुलिस की जिप्सी आ गई थी। और लेकिन यहाँ पे अभी दमकल की गाड़ियाँ रात शायद नहीं आ पाई थी, और अभी इसमें आग तो बुझ गई है, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कॉलोनी वालों को। सभी कॉलोनी वाले, राजवीर कॉलोनी, घड़ोली, मुल्ला कॉलोनी, गाजीपुर डेयरी फार्म, गाजीपुर, सभी जगह दिक्कत हो रही है। इस आग से चिंता की बात यह है कि राजधानी दिल्ली पहले ही प्रदूषण की समस्या से बेहाल है, और लैंडफिल साइट पर लगी आग के बाद उठ रहे धुएं से प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ जाएगा, जो काफी खतरनाक है। सर्दियों के दिनों में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप के नियमों के मुताबिक इस समय कूड़े अथवा पत्तों में आग लगाने पर जुर्माना का प्रावधान है। लैंडफिल साइट पर आग गैस का गुबार बनने से लगी या किसी ने कूड़े के ढेर में आग लगा दी, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस।